ये देखो 99999 वेट कर रहा हूँ कब का बैठ के, कभी कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ओ ही नहीं रे, ओ 95 रह गए हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कसम से इतना इतना लव मिला ना आप लोगों से, बहुत ही मजे का रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से और दिल खुश हो गया। चैनल की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। चैनल मैंने ना ऐसे बैठा हुआ था, सिंपल जैसे बैठा होता है ना बंदा रैंडमली, ऐसे मैं अपना काम शाम करके रिलैक्स होके इधर को साइड पे गया, एक रिएक्शन चैनल आया सामने। मैं कहा यार ये कर रहे हैं, जफर तू कर सकता है? अच्छा, मैं कहा हाँ मैं करूंगा, तो मैंने किया। तो मैंने ऐसे ही मोबाइल निकाला, ये वाला मोबाइल था, मोबाइल दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला 7 Plus मोबाइल था। मैं गरीब हूँ, ये मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो मैं ना ये मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी, लंबी वीडियो और 4K अपलोड पे लगा दी, इंटरनेट स्लो और उसके बाद मैं अपलोडिंग में लगाई, वो भी 7 घंटे में अपलोड हुई, अपलोड लगा दी और वो जनाब साहब पब्लिश कर दी। मैंने पब्लिश करने के बाद मैं गया, सो मुझे समझ नहीं आया मैं थंबनेल क्या बनाऊं। वो मैंने सबसे पहले भी वीडियो बनाई थी, वो आशना पे थी, डैमफैम पे था और संकेत मेहता था, संकेत मेहता, मैंने उसके नाम ही गलत दिए थे, मुझे पता ही नहीं था क्या नाम है, तो मैंने नाम ही गलत ले दिए। तो सारे मुझे कहे कि यार आपने नाम ही गलत लिए हैं। तो मैं कमेंट में पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना है, सुबह होते ही कमेंट आना स्टार्ट हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं कि यार मैं ना कर दिया है। तो बस फिर मैं अगले दिन शाम हुई है, 300 के व्यूज आ गए थे, 300 व्यूज आए थे। तो मैं अपनी सिस्टर को बताया, मैंने कि यार मैंने ना रात को ना एक चैनल बनाया है, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो वो मैंने अपलोड किया है, तो उस पर ना रिस्पॉन्स आया अच्छा, कहते दिखा, मैंने उसको दिखाई, वो भी हंसे, मतलब कैसे बैठे हुए हंस रहे हैं सारे। तो मुझे हो रहा है कि मैं क्या, मतलब ये क्या, मतलब वो एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन के हंसता ही है कोई अगर कोई जानने वाला देखता है। तो मैं इंजॉय कर रहा था अपना, मैं हेडफोन लगाया हुआ है, तो मैं हो सकता है तो मैं इधर ना क्लिप दिखाऊंगा आपको मैं कैसे बैठा हुआ था, उधर लाइट भी कम थी मेरी उधर तब। तो इसमें मैं ज्यादा कट शट नहीं करूंगा वीडियो में, बट मैं एज अ स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ओके? थ्री रह गए हैं। अकेला एंजॉय कर। ये मैं अभी ना मालिश करवा के आया था बालों को, तो मैंने कैप पहनी, मैंने कहा बड़ा पप्पू बच्चा जाऊंगा वरना मैं समझ नहीं आई थी। अच्छा स्टोरी पे बैक करते हैं। तो मैंने वीडियो अपनी सिस्टर को दिखाई, उसने कहा ओके फाइन रिलैक्स चिल सीरियसली ठीक है। अगर आपने मीट माय फैमिली वाला व्लॉग देखा है तो उसके अंदर मेरी सिस्टर है सिद्रा, तो मैंने कहा ठीक है ओके फाइन। मैं आया वापस मेरे मेन में जिधर मैं होता हूँ, मैं इससे वीडियो से अगली वीडियो जो है ना उस पर मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला रूम जिधर मैं पहले बैठ के बनाता था वीडियो, और ये वाला रूम सेटअप ठीक है जिधर मैं अभी हूँ। अच्छा घूमने का अपने मदर। हाँ तो फिर उधर आए, उधर आके हमने देखी लाइटिंग देखी और अपना ही मतलब कि उसका मतलब वाइब्स ही नहीं आ रही थी वीडियो के अंदर कि क्या करूं क्या नहीं करना, क्योंकि अभी पहली वीडियो थी ना तो मेरी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो मेरी सिस्टर कहती ये करो, हमने चेंजिंग की, लाइट सिल्वर ऑन की, सारा कुछ किया, लाइटिंग थी उसके अंदर बट वो एक प्रॉपर कैमरा कैप्चर करने के लिए लाइट जो चाहिए होती ना वो नहीं थी। तो मैं गरीब हूँ आगे बैठा, उसके बाद मेरा दोस्त आया, वो ये कहता है क्या कर रहे काम कर चल गया। मैं कह यार मैंने ना कल ना एक चैनल बनाया उसके ऊपर वीडियो ना चढ़ गई है और ना व्यूज आ गई हैं और ना तेरे भाई को अगली रिक्वेस्ट हो रही हैं, तो जरा ना इसको टाइम देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने जनाब साहब डेली बेस पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दी। तो विद इन 7 या 4 days 8 days बाद ना उसके ऊपर 400 कि मतलब के 4000 वॉच टाइम पूरा हो गया और वीडियो जनाब साहब 2-3 लाख चली गई, रिश्वा की चली गई, 12-13 लाख व्यूज आ गए 15 दिनों में। तो मैं बड़ा खुश जनाब, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो गया। ये मैंने सबसे बड़ी बात आपको बता दी है जनाब। वो रिजेक्ट हो गया।
उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया, ओए किधर आ गया नंबर, नंबर चेक करो, नंबर नंबर नंबर, ओ ये देखो 999999, ओ बे यार अनसब्सक्राइब कर गया, अनसब्सक्राइब कर गया, अबे यार सीरियसली तो ना हो गए करते ही हो गए 600 के, भंगड़ा पाना चाहिए। अच्छा बैक टू स्टोरी, स्टोरी में वापस आते हैं, 600 के हो गए हैं, थैंक यू सबका, शुक्रिया आपका। तो हाँ रिजेक्ट हो गई, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गई, आपके भाई ने फिर जुहार शिकार लगाए, डेढ़ महीना मैंने ना उसको फिर ट्राइंग की कैसे होगा, रिसर्चिंग की, और मैंने ना फिर वीडियोज अपलोड की, और मैंने फिर जो वीडियोस मुझे लग रही थी ना ठीक नहीं है सारी मैंने रिमूव कर दी, और मैंने उसके बाद उसको ना डिलीट कर, अभी मैंने जब सारी सिलेक्ट की है ना मैंने डिलीट करके, मैंने क्लिक करके मैं बाहर आ गया, मैं क्या अफसोस ना हो मुझे। एक होता है ना कि अफसोस होता है, तो मैंने क्या अफसोस ना हो मुझे, तो मैं चला गया बाहर। तो फिर मैं जब वापिस आया व्यूज ही कोई नहीं, क्योंकि वीडियो सारी डिलीट हो गई थी, व्यूज ही कोई नहीं, तो डेली के कोई इतने थे व्यूज थे 200-150, वरना आ रहे थे 60,000-70,000 व्यूज आ रहे थे, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, मैं गया 100, और हज का दिन था, सुबह 10 बजे का टाइम था जब मुझे मेल आई है कि मोनेटाइज हो गया। फिर आपका भाई उठा ऐसे हैवी करके, और उठ के वो जो वीडियो डिलीट की थी वो सारी डाल दी और डालने के बाद फिर प्रॉपर वर्क बैक, फिर इतना रिस्पांस मिला अच्छा प्यारा, हर एक ने क्रिएटर ने स्टोरी लगाई मेरी, आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, उधर मैं लगाता रहता हूँ, तो मतलब कि बहुत ही प्यार मिला यार आप लोगों से, इतना मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझे समझ नहीं आती कि कब कहाँ से प्यार आया ये इतना, तो बहुत कमेंट मैसेजेस। हालांकि मेरी स्टोरी बैक जो है ना प्रॉपर स्टोरी मैं आपको बताऊंगा वो काफी लंबी है, ये मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग स्टोरी बताई, उससे पहले वो है अलहदा स्टोरी है, उसका तो सीन ही अलहदा है, वो तो लंबी है, वो 4 साल पुरानी स्टोरी है, तो वो भी स्ट्रगल है, ये नहीं कि मैं बनाते साथ ही और मैं आपको हलवा 6-8-10 मिनट में जो वीडियो ये है ना इसके अंदर आपको पता लग गया, ये इसलिए है कि वो पिछले 3-4 साल की मेहनत है। तो आज 600 के हो गए हैं, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, शुएब इब्राहिम, सबा दीपिका इब्राहिम, इन सभी ने किया है, मतलब कि डैम फैम हर एक ने आगे मैसेजेस किए, कमेंट किए हैं, आगे स्टोरी लगाई हैं, सुरभि ने लगाई मोहक वगैरह के साथ जो होती है सुरभि, वो और भी काफ़ी लोग हैं, मैं नाम ले पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, माशाल्लाह बहुत लंबी लिस्ट है, अभी 600 के पे हैं, तो यार जबरदस्त यार, वन लग गया, अब वन हुआ है साथ, हाँ अब वन हुआ है साथ, तो जबरदस्त, अब मैं इसका टाइम लैप्स चलाया होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा साथ, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो लाइक शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इस चैनल की स्टोरी पता लग गई है अब, तो चले मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और इस रूम टूर के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसके बाद मैं इस्लामाबाद गया था, उसका व्लॉग अपलोड करूंगा, ट्राई करूंगा, मैं एडिट कर रहा था, हुआ नहीं एडिट क्योंकि उसके अंदर मैं बोला बहुत कम है, तो मुझे बोल बोल के बताना पड़ रहा है उस वीडियो का। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।